सिनेमा की दुनिया में जितनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होती है उतनी ही जानदार और शानदार दुनिया बड़ी स्क्रीन पर उभर कर आती है। हॉलीवुड फिल्मों को देखा देखी अब बॉलीवुड फिल्मों के सीन्स को भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने के लिए VFX का इस्तेमाल किया जाता है। VFX मूवीज में जान डालने का काम करते हैं और सीन्स को आई कैचिंग और अट्रैक्टिव भी बनाते हैं। कई बार VFX का यूज कर फिल्मों या टीवी में दिखाए गए सीन इतने साफ हो जाते हैं कि माने देखने वाले को लगता है कि उसके सामने ही सब कुछ हो रहा हो। सलमान खान की बॉडी के करोड़ों प्रशंसक हैं और हम आज भी उन्हें उसी रूप में देखना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि ढलती उम्र के साथ इसमें वो बात नहीं रही जो पहले थी। आप शायद मेरी बात से सहमत ना हो क्योंकि आप तो अभी भी फिल्मों में उनकी जबरदस्त एप्स देखकर सीटी बजाने लगते हैं। दरअसल इस बात का खुलासा फिल्मों के लिए विजुअल इफेक्ट तैयार करने वाली टाटा के डिजिटल प्रोडक्शन स्टूडियो VCL टाटा एलेक्सी के मोटांज में हुआ था। यह कंपनी फिल्मों के लिए विजुअल इफेक्ट तैयार करती है। इस मोटांज में केवल सलमान खान की बॉडी को विजुअल इफेक्ट देते हुए ही नहीं दिखाया गया था बल्कि कई बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों के विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशन वर्क को भी दिखाया गया था। वीडियो में सलमान खान जब अपनी टी शर्ट उतारते हैं तो सिक्स पैक की जगह पेट पर थोड़ा फैट दिखाई देता है, लेकिन विजुअल इफेक्ट देते ही सलमान के सिक्स पैक एब्स दिखने लगते हैं जो कि देखने में बिल्कुल असली मालूम पड़ते हैं। लेकिन जो भी हो, सल्लू भाई, वी ऑलवेज लव यू। फिल्म बाहुबली दर्शकों के लिए किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं थी। बाहुबली में दर्शकों को बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला जो पहले कभी नहीं देखा गया था। अब तक तो पूरा देश जान ही गया है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, लेकिन आज हम कुछ ऐसा बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। साल 2015 में बाहुबली का पहला पार्ट आया था। इस फिल्म में बल्ला देव की सांड के साथ लड़ाई दिखाई दी गई थी। हम आपको इस सीन की सच्चाई बताने जा रहे हैं। इसकी हकीकत जानकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। ये सीन फिल्म के बेहतरीन सीन में से एक माना जाता है। इस सीन को शूट करते समय VFX यानी विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया। इसमें जिस सांड के साथ बल्ला देव लड़ते नजर आ रहे थे वो असली में कुछ ऐसा था। जब सांड भागता हुआ बल्लाल की तरफ आता है तो दर्शकों की भी सांसें थम जाती है। वो असल में ऐसा दिखता था। बल्लाल ने पहले सिर्फ एक्शन किए, इसके बाद VFX की सहायता से सीन में सांड को जोड़ दिया गया। एक सीन में बल्ला देव सांड के ऊपर कूदकर उसे मारते हुए नजर आए थे। वो सीन कुछ इस तरह शूट हुआ था। लड़ाई में सिर्फ सांड के सींग का इस्तेमाल हुआ था। इसी दौरान सांड के साथ कटप्पा भी नजर आए थे। कटप्पा के इस सीन की हकीकत भी ऐसी ही है। इसे भी VFX के जरिए ही तैयार किया गया था। मूवी के एक सीन में जिसमें राजमाता नदी में बाहुबली को डूबने से बचाती है, उस सीन ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए थे। लेकिन जब आप हकीकत जानोगे तो हंसी छूट जाएगी। दरअसल वो सीन कुछ इस तरह फिल्माया गया था जिसे बाद में ऐसा कर दिया गया। इसके अलावा पूरी फिल्म के दोनों भागों में झरने से लेकर जंगल तक और पूरा साम्राज्य और इसके अलावा तमाम स्टंट्स ग्रीन स्क्रीन की मदद लेकर VFX द्वारा एडिट करके बनाए गए। इस फिल्म के लिए 15 अलग अलग VFX कंपनियों के 130 से भी ज्यादा आर्टिस्टों ने ढेर सारे विजुअल इफेक्ट शॉट्स तैयार किए थे, पर इसमें सबसे ज्यादा योगदान था मैकुटा VFX नामक कंपनी के हैदराबाद स्टूडियो का। इस कंपनी ने राजा मौली की सन 2012 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म ईगा के विजुअल इफेक्ट्स भी तैयार किए थे जिसे हिंदी में मक्खी नाम से रिलीज किया गया था। मक्खी को सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट का नेशनल अवार्ड भी मिला था। दीपिका पादुकोण की डेब्यू फिल्म ओम शांति ओम ने फिल्मी जगत में तूफान लगा दिया था। इसके पीछे केवल शाहरुख खान और दीपिका का आकर्षक अंदाज जिम्मेदार नहीं था बल्कि हिट गानों में जहां वह जितेंद्र, राजेश खन्ना और सुनील दत्त जैसे बड़े कलाकारों के साथ रोमांस करती है, उन सभी सीन ने फिल्म में 4 चांद लगा दिए थे। इस गाने को बहुत सावधानी से ग्रीन स्क्रीन और VFX के जरिए जानदार और बिल्कुल असली जैसा बनाया गया था जिसे देखकर सब हैरान रह गए थे। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की VFX टीम ने फराह खान के विजन को सिल्वर स्क्रीन पर बखूबी निभाया। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा जिसमें 1970 के दशक को फिर से बनाया गया था VFX की मदद से ही किया गया था। यही कारण था कि ओम शांति ओम को उसके बेहतर VFX के लिए कई फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
इसके अलावा वो आग वाला सीन भी देखकर दर्शकों की आंख से आंसू निकल आए थे, जिसे भी कुछ इस तरह VFX की मदद से बनाया गया था। KGF फिल्म का नाम किसी ने सुना न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तक लोगों में इस मूवी का खुमार छाया हुआ है। फिल्म की साउंड एडिटिंग और सिनेमेटोग्राफी ने इसे बुलंदियों पर पहुंचा दिया। फिल्म में ऐसे ऐसे जबरदस्त सीन दिखाए गए हैं जिसे देखकर सबके या तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं या दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। फिल्म में 80 के दशक का वक्त दिखाया गया है। सड़कों और गांव के दृश्य को दिखाने के लिए वीरान जगहों को चूज किया गया। इस फिल्म में ग्रीन स्क्रीन का उपयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय और प्रशंसनीय था। वैसे तो कोलार गोल्ड फिल्म लोकेशन पर मौजूद हर चीज को खुद हाथों से बनाकर तैयार किया गया था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म के सीन को बेहतर रंग देने के लिए पूरी तरह से एडिट किया गया था। यही कारण है कि KGF फिल्म को 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्शन और बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स के लिए 2 अवार्ड्स भी मिले थे। एक्सेल एंटरटेनमेंट्स ने इस फिल्म के लिए VFX का काम किया था। आपको मूवी कैसी लगी जरूर बताइएगा। आप में से अधिकांश की तरह हम भी सोच रहे थे कि फैन में पूरी तरह से अलग होकर शाहरुख खान ने दोहरी भूमिका कैसे निभाई। इसने आईफा में VFX प्रभाव के साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड हासिल किया, जिसने कई अन्य लोगों के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के नए रास्ते खोल दिए। शाहरुख खान के अपने प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज का VFX डिवीजन फैन बनाने के लिए बनाए गए एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स के पीछे था। यह जानने के लिए एक वीडियो को दिखेगा कि कैसे उन्हें SRK के शरीर नाक ऊंचाई को कम कर दिया ताकि वह दुबले और छोटे हो सके। ठीक इसी तरह रेड चिलीज VFX टीम ने रोहित शेट्टी की चेन्नई एक्सप्रेस के लिए 1500 VFX शॉट्स दिए हैं। इस शाहरुख खान स्टारर फिल्म ने 410 करोड़ की कमाई की। VFX टीम ने फिल्म के दृश्य और कथा में बहुत सारे जटिल CGI बदलाव किए, जिन्हें देखकर मुंह से वाह निकल जाए। जैसे गाने और फिल्मों के सीन में बैकग्राउंड को खूबसूरत या फिर वातावरण के अनुकूल बनाना, फाइट सीन में कई बदलाव, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये थी कि चेन्नई एक्सप्रेस असल में 1 इंच भी नहीं चली। जी हाँ, ट्रेन स्टूडियो में बनाई गई थी जो वहीं रही, लेकिन ग्रीन स्क्रीन और VFX की मदद से ऐसे ऐसे बदलाव किए गए मानो ट्रेन पटरी पर सरपट दौड़ रही हो। सभी बाहरी शॉट्स VFX तकनीक के माध्यम से बनाए गए थे, चाहे वह शाहरुख खान चलती ट्रेन से कूद रहा हो या उसके पीछे एक जलती हुई दुकान के साथ खड़ा हो, सभी दृश्य विजुअल टीम की मदद से बनाए गए थे। सलमान खान की 2014 में आई सुपरहिट फिल्म किक ने दर्शकों को जमकर एंटरटेन किया था। फिल्म में सलमान के जबरदस्त एक्शन और स्टंट्स दिखाए थे। वही सिनेमा हॉल के अंदर फैंस सलमान के हर स्टंट पर ताबड़तोड़ तालियां बजा रहे थे। वैसे फिल्म में सबसे ज्यादा चर्चा उस स्टंट सीन की हुई थी, जिसमें सलमान ट्रेन को आते देख साइकिल छोड़ अपने खास अंदाज में पैदल पटरी पार करते हैं। हालांकि बड़े पर्दे पर यह सीन देखते ही बन रहा था, लेकिन असलियत यह है कि इस सीन को VFX के जरिए बनाया गया था। आप साफ देख सकते हैं कैसे विजुअल इफेक्ट्स के जरिए सलमान खान के स्टंट सीन को आई कैचिंग बनाकर ऑडियंस को परोसा गया था। हाँ तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।